भी कितने एक जैसे होते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से से क्यों ना हो। और हम सबको मेमोरीज कितनी हम उसको चेरिश करते हैं, कितनी हम उनको समेट के अपने साथ संजो के रखते हैं। मुझे ये किस्सा बहुत अच्छे से याद है कि एक दिन मैं मेरी क्विल्ट क्लास ले रही थी एक शॉप में, वहाँ यूएसए में, और अचानक शॉप में एक औरत आई। तो मेरी जो टीचर जो मुझे क्लास दे रही थी, उसने एक्सक्यूज़ किया अपने आप को और वो उस औरत के साथ बहुत देर तक बातें करती रही और फैब्रिक सिलेक्ट करते रहे। तो मैं बहुत हैरान थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि इतना देर भी लगाया उस औरत ने, इतने सारे कपड़े भी खरीदे और फिर वो इसी को दे के चली गई है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा था। तब उसने बताया कि ये औरत का इकलौता बेटा एक कार एक्सीडेंट में खत्म हो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और उसने उसकी जो टी शर्ट्स थी जो बचपन से एक उसने इकट्ठी करनी शुरू करी थी, उसने वो सूजन को लाके दी इस शॉप में कि आप मुझे इससे एक बहुत सुंदर दो क्विल्ट्स बना के दीजिए। और ये जो फैब्रिक्स अभी उस माँ ने खरीदे थे वो उन टी शर्ट्स के साथ उसको डिज़ाइन करके पैटर्न करके फिनिश करने वाली थी। और वो बात इतनी मेरे मन में छू गई, गहरे मन में, कि एक माँ को अपने बच्चे से इतना प्यार है कि वो अब उसको हमेशा के लिए अपने करीब रख लेगी इस क्विल्ट के साथ। एंड शी विल ऑलवेज स्टे वार्म एंड हैप्पी विद ऑल द फॉन्डेस्ट मेमोरीज शी हैज ऑफ हर चाइल्ड। नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से। आज हम आपके लिए एक नया ब्लॉग का डिज़ाइन लेके आए हैं जिसको ज्वेल बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये एकदम बिल्कुल डायमंड्स की तरह लगते हैं। तो इसके लिए इसको एक ज्वेल बॉक्स वाला ब्लॉग बताते हैं। उसका एक फिनिश प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये एक बेड रनर है। हम लोग कई बार अपने बेड को थोड़ा सा और ब्राइटन अप करने के लिए, चेयर अप करने के लिए दिन में जब हम अपना बेड बनाते हैं तो एक एज में, बेड के नीचे के हिस्से में हम एक रनर लगा देते हैं। दिस इज़ व्हाट ये बेड रनर है। जब मैंने ये बना लिया मुझे इतना खूबसूरत लगा, पर ये लगा कि ये किसी लड़की के कमरे के लिए है, तो इसलिए अब मैं जो बनाना चाह रही हूँ वो भी बटरफ्लाइज की थीम से ही हम बनाएंगे हमारे प्रोडक्ट रेंज में जो है सिंपली ब्यूटीफुल के प्रोडक्ट रेंज में। लेकिन हम थोड़ा सा इसको इस कलर कॉम्बिनेशन में बनाने का प्रयास करेंगे आज। तो ये हमारा ब्लॉक है, प्राइमरी ब्लॉक। हमारे किट में ये पैटर्न आपको साथ में मिलेगा, तो आप बहुत ज़्यादा वो वर्कड अप मत होइएगा क्योंकि डायमेंशंस थोड़े से अलग हैं, लेकिन फिर ये लुक कितनी सुंदर है आप देखिए। तो इसमें हमने तीन फैब्रिक्स यूज़ किए हैं, एक जिसमें नेवी ब्लू विद बटरफ्लाइज प्लेन और फिर ये प्रिंट, और ये हमारे ये तीनों फैब्रिक्स यहाँ पे हमारे पास हैं। हमारे जो कॉर्नर के फैब्रिक्स हैं हम अब उनकी बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमें ये फैब्रिक्स कट करने हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्रॉपरली तय कर लीजिए पन्ने की साइड से, और हम इसको ट्रिम करेंगे। कटिंग करने से पहले इसको हम ट्रिम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमेशा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और हम इसको कटिंग मैट के ऊपर रूलर के साथ कट करेंगे। रूलर उठाने से पहले हम चेक करेंगे कि ये कट गया, हाँ ये फैब्रिक बिल्कुल ठीक से कट गया है। अब हमारे को हमारे स्क्वेयर्स काटने हैं, ये वाले दो, ये देख रहे हैं आप थोड़ा बड़ा साइज़ है, ये 2.5 इंच स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है, तो इसके लिए हम थोड़ा बड़ा स्क्वायर काटेंगे। पहले हम स्ट्रिप काटेंगे और हमारे डायमेंशंस हैं 3 इंच बाई 7/8 यानी 4.25। तो ये गिना मैंने 1, 2, 3 और ये 4, 4 से थोड़ा सा पहले हमने अपना रूलर फिक्स किया। आप इस तरह से एक या दो स्ट्रिप्स दोनों कलर की काट लीजिए। ये एक मैंने नेवी ब्लू प्लेन स्ट्रिप काटा है, और अब मैं दोनों को, ये जो सेल्वेज है जो किनारा है जिसको हम बॉर्डर भी कहते हैं, अब हम उसको ट्रिम आउट कर देंगे। हमारा सेल्वेज हमने काट लिया, दोनों कलर्स क्योंकि एक ही साइज़ के हैं हम एक साथ काटने की कोशिश करेंगे। हमने इनको फोल्ड करा है, एक तय कर दिया है,
दोनों कपड़ों को, तो एक साथ हमारे चार चार स्क्वायर्स कट जाएंगे। ये जो हमारी स्ट्रिप की चौड़ाई है, पट्टे की चौड़ाई है, वो 4.25 इंच है, तो हम उसी चौड़ाई से अगर ऐसे कट करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो 1, 2, 3 और ये 4, 4 से थोड़ा सा पहले, देखिए आप ये 2 ट्रायंगल्स के उसमें बने हुए हैं, ट्रायंगल एक प्लेन और एक प्रिंट, और वही हमारे कपड़े हैं। इनको कैसे बनाना है मैं वो आपको दिखाने लगी हूँ। ये आप देखिए दोनों के जो उल्टी तरफ है उसमें ये ज्यादा लाइट है, तो हम इसको यूज करेंगे और हम इसमें एक डायगोनल लाइन बनाएंगे, खींचेंगे। आप देख सकते हैं ये डायगोनल लाइन मैंने बनाई है, राइट साइड अंदर मिला रहे हैं, राइट साइड टुगेदर, और रॉन्ग साइड ऊपर है। ये जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके पास हम ये पिन लगा रहे हैं। ये लाइन के दोनों तरफ हम 1/4 इंच छोड़ के हम एक स्टिच देंगे, एक सिलाई देंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये लाइन हमारी सेंटर है, ये लाइन हमारी मार्किंग है, हम इसके दोनों तरफ सिलाई करेंगे। घुमा देंगे और ये देखिए ये हमने एक साइड कर लिया है, अब हम दूसरी तरफ वही चीज करेंगे 1/4 इंच छोड़ के लाइन को, तो हमारी लाइन से हमको उसकी मार्किंग करनी है। ये हमारा रेडी हो गया है और आपने देखा ये चेन की तरह जुड़े हुए हैं, तो आप सोचिए अगर आपने 20 से 25 ये बनाए तो कितनी लंबी आपकी चेन बन जाएगी। अब आप इसको अलग कर लीजिए एक एक पीस को, और अब हम इसको जहाँ हमने ये लाइन बनाई थी, जहाँ ये ब्लैक लाइन हमने बनाई थी, अब हम उसको वहाँ पे कट करेंगे। ये जो जॉइन है जहाँ कपड़ा जुड़ा है, जिसको हम सीम्स भी बोलते हैं, आप पैटर्न्स में पढ़ेंगे तो आप इसको सीम अलाउंस के नाम से देखेंगे, तो ये जो सीम अलाउंस है हम इसको खोल देंगे। ऐसे हम अपने सारे ब्लॉक्स एक साथ खोल के, अब आप देखिए ये कैसे स्क्वायर बन रहा है दोनों तरफ, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, देखिए उसी तरह से ये यहाँ पे जॉइन हो रहा है, ये देखिए। तो अब हम इसको प्रेस करके सेट कर देंगे। दो ट्रायंगल्स टुगेदर इकट्ठे बना के इनको हमने एक स्क्वायर बना दिया। अब आप देखेंगे कि क्योंकि हमने सीम्स खोली हैं, जहाँ हमने फैब्रिक जोड़ा है उसको खोला है, तो ये ट्रायंगल्स बाहर निकल रहे हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल्स, जो अगर आपके घर में कोई पेट हो, कोई डॉग या कैट हो, तो ये बिल्कुल उसकी तरह उनके कानों की तरह लगते हैं, डॉग ईयर्स, तो इसके लिए क्विल्टिंग वर्ल्ड में इनको डॉग ईयर्स ही बोलते हैं, तो आप ये डॉग ईयर्स को ट्रिम कर दीजिए। हमारे ये वाले ब्लॉक्स तैयार हो गए, तो 4 में से 2 हमारे स्क्वायर्स रेडी हो गए हैं, तो ये छोटा ब्लॉक बोल सकते हो आप इसको। अब हम ये छोटे दूसरे 2 स्क्वायर्स रेडी करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो स्क्वायर है, ये जो साइड है, इसमें 2 कलर्स हैं, एक प्लेन ब्लू है और एक वाइट है, तो हम उनके स्ट्रिप्स काटेंगे, उनके पट्टे काटेंगे। ध्यान रखिएगा ये 2.5 इंच नहीं, ये 2 इंच के उसमें है। हमारे पैटर्न में आपको ये सब मिलेगा, आप उसको रिलैक्स करिए। 1, 2
से आप ये स्ट्रिप्स दोनों कलर्स के काट लीजिए, नेवी ब्लू और ये बटरफ्लाई प्रिंट के, क्योंकि अभी हम सिर्फ इनको जोड़ रहे हैं तो अभी सेल्वेज ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं वो अभी रहने दो, हम आखिर में इसको ट्रिम कर लेंगे। तो आप इसको अब ऐसे पिन अप कर लीजिए। और ये हमारा एक स्ट्रिप रेडी हो गया। तो अब हम इसको पहले जो सीम्स हैं उसको खोल लेंगे बिफोर वी आयन, थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे तो फिर आयन करने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब हमने अपनी सारी सीम खोल दी है, सीम अलाउंस या जहाँ पे हमने कपड़ा जोड़ा था उसको एकदम फ्लैट कर देंगे प्रेस करके। तो हमारा ये स्ट्रिप बिल्कुल रेडी है, एकदम क्रिस्प एंड फ्रेश एंड रेडी टू कट। अब हम ये सैंडविच ट्रिम करेंगे। अब आपने या आपको याद होगा कि जो स्ट्रिप्स हैं हमने दो दो इंच की चौड़ाई में काटे थे, तो अब हम इसको भी दो दो इंच के उससे ही कट करेंगे क्योंकि हमने इनका इस तरह के स्क्वायर्स बनाने हैं। अब आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम, अगर आप देखिए अब हम इसको पिन करेंगे। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो सीम अलाउंस है उसको खोल लीजिए और प्रेस कर लीजिए। ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे ये खुल रहा है और जहाँ पे ये दूसरी तरफ की साइड से इंटरसेक्ट हो रहा है, हम उसको पिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमको फिर इस इतना फाइन इंटरसेक्शन मिलेगा। और ये हमने इस तरह से हमारी चेन पीसिंग करी है एक के बाद एक। और आप जितने बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप उतने ये वाला स्टेप एक साथ कर लीजिए। और दोबारा से इसको आप खोल के आयन कर लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, टेक्निक वही है। जिस तरह से मैं बार बार आप हर प्रोजेक्ट में कहती हूँ कि आपको जो बनाना है इस ब्लॉक के साथ आप वो बना सकते हैं। ब्लॉक्स नए नए होते हैं, चीज़ें वही तरीके से बनती हैं, टेक्निक वही होता है। उसके लिए हम कहते हैं कि ब्लॉक्स आर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ दी ABC फॉर अ क्विंटर। तो अब हम अगर इसको अरेंज करें तो ये हमारा फिनिश्ड ब्लॉक रेडी। अब हम जैसे हमेशा करते हैं हम रोज छोड़ लेंगे। हमेशा जब आप ऐसे ब्लॉक्स बनाएं, पीसेस बनाएं, स्क्वायर्स बनाएं, तो आप उसको पहले सेंटर से जोड़िए ताकि वहाँ से वो हिले ना, जहाँ पे वो जोड़ आया है सिलाई आई है, और फिर आप आगे पीछे एक एक पिन अप कर दीजिए। आप हर स्टेज पे चेन पीस करेंगे, हर स्टेज पे आप एक के बाद एक जोड़ जोड़ के वो स्टेप बनाएंगे तो आपकी चेन छोटी होती जाएगी लेकिन आपका जो एंड रिजल्ट हर स्टेप में है वो बड़ा होते जाएगा। और अब हम इसी तरह से इसको सेम स्टेप से इसको पहले प्रेस कर लेंगे, इसको खोल लेंगे और फिर इन दोनों कॉर्नर्स को सेंटर्स को मिला के बाकी पिन अप करके हमारा ये ब्लॉक इस तरह से तैयार, फिनिश्ड। तो आपने जितने आपका प्रोजेक्ट बनाने का मन है, जितना बड़ा, आप उतने सारे ये ब्लॉक्स बना लीजिए। और अब हम इसको अरेंज करेंगे। और ये आपकी एक बर्फी तैयार हो गई। रोज की तरह मैंने इसको पहले स्टिच करा है एक एक रो को, और उसके बाद हमने एक रेडी
स्क्वायर भी बना दिया है। और अब आप देखिए आपको जितना बड़ा बनाना है, ये देखिए बेड रनर है तो हमने 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे स्क्वायर से हमने बनाया है। आपके बेड का साइज देख लीजिए, अगर आपको भी यही चीज़ बनानी है आप इसका बेड कवर भी बना सकते हैं, आप इसका टेबल मैट भी बना सकते हैं, बैग भी बना सकते हैं, जो आपका मन है। तो अब इसको फिनिश करने के लिए मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही, क्योंकि हमने मार्केट से बैटिंग खरीदी हुई है। मैंने आपको ये 2-3 तरह की मिलेंगी, 2-3 थिकनेस में मिलेंगी, और कुछ पैडिंग्स और बैटिंग वट एवर योर शॉप सेज, उसमें ये आपको दाने दिखेंगे, ये दाने दाने दिखेंगे, तो इसको फ्यूजिबल बैटिंग कहते हैं। और ये एक्चुअली गोंद है, फ्यूजिंग मीन्स आप इसको जोड़ सकते हैं। तो जब आप अपना फिनिश्ड, इसको फिनिश करने के लिए ये बैटिंग यूज़ करेंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरफ दाने हैं वो ऊपर आएगा, और उसके ऊपर आपका जो फिनिश्ड प्रोजेक्ट है, जो भी आप बना रहे हैं, ये देखिए कुशन कवर बन सकता है इसका, इसके अराउंड में आप बॉर्डर्स लगा लीजिए, तो ये आपका जो फिनिश्ड प्रोजेक्ट है वो इसके ऊपर आएगा, और इसकी बैक साइड और ये फ्यूजिंग वाली साइड जुड़ेगी, और आप इसको प्रेस कर लीजिए। एक बार आप इसको प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अगर ये फ्यूजिबल के बिगर मिले, प्लेन मिले, तो सेम थिंग, आप इसको पिन अप कर लीजिए जहाँ जहाँ, और सेंटर में ज़रूर करिए अलग अलग जगह, और आपकी फ्यूजिबल बैटिंग या रेगुलर बैटिंग को थोड़ा बड़ा काटिएगा, ताकि अगर थोड़ा सा फिर भी खिसकने का वो हो तो ये उसको संभाल लेगा, उसको बाद में आप ट्रिम कर सकते हैं। इसके पीछे आप जो भी कलर की बैकिंग चाहते हो, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो ये प्लेन नेवी ब्लू बैकिंग, इसको काट के साइज से आप इसको फिनिश कर सकते हैं। और फिनिशिंग का जो है, बायस बाइंडिंग वगैरह, ये सब जो है आप हमारे अगले दूसरे ट्यूटोरियल जो हमने पहले डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है उसमें आपको मिल जाएगा। आई एम श्योर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।